आप सभी प्रिय दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है इस नए वीडियो में। हम लेके आए हैं अगले 10 क्वेश्चन आपके जो आपने पूछे हैं फ्यूचर ग्रुप की लेटेस्ट डील के बारे में। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये क्वेश्चंस हेल्पफुल रहेंगे। अगर कोई फीडबैक है तो प्लीज कमेंट में डालिएगा ताकि हम उसके अकॉर्डिंगली उसको इनकॉर्पोरेट कर पाए। तो आज का बड़ा इवेंट ओवर हो चुका है और फ्यूचर रिटेल हमारे हिसाब से जैसा हमारी कैलकुलेशन थी उसके बेसिस पर वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है अमंग द फ्यूचर ग्रुप लॉट। गिरने को आज फ्यूचर रिटेल 10% तक गिर सकता था, आपको ये बात समझनी है। पर इसमें एडवांटेज ये रहा है कि गिरा तो है पर उसने एक नीचे के लेवल जो 71 बनाया था मॉर्निंग में उसको रिस्पेक्ट किया है और पहले एक मिनट में नीचर रिएक्शन दिखाया, उसके बाद उसने ऊपर किया। हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि हो सकता है कोई पॉजिटिव न्यूज आए दोपहर में तो वो ट्रिगर करेगी उसको जाने के लिए। शुरुआत की उसने ऊपर जाने के लिए पर नहीं, वहां पर सस्टेन नहीं हुआ। इसको एक न्यूज चाहिए, कोई पॉजिटिव सीसीआई अप्रूवल या कोई और फर्दर न्यूज जिसके बेसिस पर ये आगे ऊपर जाएगा। अभी देखेंगे क्या होगा आगे, पर फिलहाल के लिए ये स्टॉक अभी नीचे के लेवल पर है यहां से। तो अब देखा जाए सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 186 क्वेश्चन पूछा गया है कुणाल कोल्हे जी का। इनका क्वेश्चन है सर व्हाट इज द प्रोग्रेस फॉर सीसीआई फ्रॉम नागपुर। सो कुणाल जी सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप हमारे चैनल पर आए हैं। सीसीआई के अप्रूवल के बारे में आपको बताते हैं, हमारी जितनी नॉलेज है जितनी इंफॉर्मेशन है कि लास्ट जब से केस फाइल हुआ है तब से इसका पुश जो है बोथ फ्रॉम फ्यूचर ग्रुप एज वेल एज फ्रॉम रिलायंस ग्रुप थोड़ा ढीला पड़ गया है और आपको मालूम है सरकारी काम को ढीला होने पे उसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है इसमें। अभी जो हमारे क्लोज ट्रेडिंग सर्कल के बेसिस पर न्यूज है दिल्ली बैंगलोर आईई नॉर्थ और साउथ दोनों का कंप्लीट हो चुका है, गुजरात का भी कंप्लीट हो चुका है। हमारी जो लास्ट इंफॉर्मेशन थी वेस्ट बंगाल का चल रहा था उसकी हमारे पास अभी कोई अपडेट नहीं है। जैसे ही हमारे पास कोई अपडेट आएगी तो हम आपको भेज देंगे। अभी तक सीसी अप्रूवल ऑब्टेन नहीं हो पाया एज पर अवर नॉलेज करंटली, तो जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन लेंगे हम आपको बता देंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 187 ललित रोचनी जी का। इनका प्रश्न है बट सर जी सिंगापुर कोर्ट ने तो ऑर्डर दिया है फ्यूचर ग्रुप को डील होल्ड पर रखने के लिए। देखिए पहले जरा इसको समझाते हैं लीगल केस कैसे है। जो अमेजन है उसके पास में फ्यूचर कूपन का शेयर्स है 49% की हिस्सेदारी उसमें, और फ्यूचर कूपन और फ्यूचर ग्रुप एंटिटी दोनों मिलकर ने ये डील की थी अमेजन के साथ में। तो इसलिए जो पार्टी इसमें इंक्लूडेड है उसका नाम होगा फ्यूचर कूपन, उसका नाम होगा फ्यूचर ग्रुप और अमेजन। तो इसलिए जब इन्होंने स्टे ऑर्डर दिया है सिंगापुर कोर्ट ने दैट इज बेस्ट ऑन देयर बेस्ट नॉलेज, वो इंटरिम ऑर्डर है दैट इज नॉट अ फाइनल डिसीजन। अब आप समझिए इस बात को कि जब उनके पास हिस्सेदारी फ्यूचर कूपन की है और फ्यूचर कूपन का हिस्सेदारी से उनको फ्यूचर रिटेल में करीब करीब 7% की हिस्सेदारी मिल जाती है तो वो एक माइनॉरिटी स्टेक होल्डर है, वो मेजॉरिटी स्टेक होल्डर नहीं है फ्यूचर रिटेल में, डायरेक्टली उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है फ्यूचर रिटेल में। तो इसलिए ये जो होल्ड का ऑर्डर इंटरिम ऑर्डर पास किया गया है वो ना तो फ्यूचर रिटेल के लॉयर ने उनको रिकमेंड किया है कि ये वैलिड होगा इंडिया में और इंडिया की लॉ के अकॉर्डिंगली उन्होंने ये डील सारी की सारी की है, तो इसलिए ये डील होल्ड पर नहीं होगी। दोनों ने क्लेरिफिकेशन कर दिया है क्योंकि ये जो डील की गई है रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप के बीच में ये एज पर इंडियन लॉ और इसमें फ्यूचर कूपन का कोई हिस्सेदारी नहीं है इस डील के अंदर, फ्यूचर कूपन को नहीं किया गया है। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग इन ट्रेडिंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 188 अशोक पलोडिया जी का। इनका प्रश्न है किसने आपको बताया कि रिलायंस के शेयर मिलेंगे अगर आरआईएल के साथ डील हुई, क्लियर कीजिए। तो अशोक जी आई थिंक आपने हमारा वन ऑफ द ओल्ड वीडियो, हम इसको अपना विजन बना के रखे हुए हैं। दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू क्लेरिफाई ये किसी की ऑफिशियल न्यूज नहीं है। अभी तक की जो ऑफिशियल न्यूज है उसमें ये है कि सारी की सारी 5 एंटिटी मर्ज होकर एफईएल में कन्वर्ट होंगी और एफईएल के प्राइस आप शेयर आपको मिलेंगे उस रेशो में जो रेशो कन्फर्म हो चुका है, उसके बाद आगे किसी का भी नहीं कन्फर्मेशन है। हमारा व्यू कैसे बन रहा है, हम ये दिस इज अवर पर्सनल व्यू, आई जस्ट वांट टू क्लेरिफाई। तो जो हमारा व्यू बन रहा है वो इस तरह से बन रहा है कि जब भी कभी डील होती है तो उसमें ऑल कैश डील नहीं होती है, डील में आपका सिक्योरिटी इंक्लूडेड रहता है, ट्रांजैक्शन होते हैं दोनों के बीच में। तो एंड दिस इज बेस्ड ऑन अवर 20 ईयर एक्सपीरियंस इन स्टॉक मार्केट, दैट्स हाउ वी हैव सीन द डील गेटिंग थ्रू। तो इसमें सारी की सारी कैश डील नहीं होगी और जो बाद में स्वैप रेशियो होगा अगर
इस तरह से पोजीशन बनती है कि कुछ इक्विटी स्वैप भी होता है, तो एन नंबर ऑफ एफईएल के लिए एक्स नंबर ऑफ रिलायंस शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे। तो जो भी जिनके पास भी एफईएल के शेयर हैं या जिनके पास अभी फॉर एग्जांपल फ्यूचर रिटेल के शेयर हैं, उनके एफईएल में कन्वर्ट होंगे और फिर बाद में वो एफईएल रिलायंस में कन्वर्ट होगा। दिस इज नॉट ऑफिशियल न्यूज, आई वॉन्ट टू कॉल इट आउट, दिस इज अवर व्यू, दिस इज अवर कंसेप्ट एंड दैट्स वेयर हम इस शेयर को अपने लॉन्ग टर्म के लिए रख रहे हैं। हमारे हिसाब से हमें यहां पर वाया फ्यूचर रिटेल देन टू फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड देन टू रिलायंस, हमें रिलायंस के शेयर डिस्काउंट में मिल रहे हैं। दिस इज अवर व्यू। क्वेश्चन नंबर 189 एसके रोहन जी का, भाई साहब आपका प्रेडिक्शन गलत साबित हो गया, आपने कहा था कि आज की क्लोजिंग पॉजिटिव ट्रेंड पर होगी जबकि सभी स्टॉक लोअर लेवल पर क्लोज हुए हैं। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि जी हां क्लोज जो हुए हैं सारे के सारे नेगेटिव हुए हैं, पर आपको ये चीज समझनी है कि जो हमने इंफॉर्मेशन दी है उसमें ये बोला है कि अगर आफ्टरनून में कोई फर्दर पॉजिटिव ट्रिगर आता है। अब आज का इवेंट क्या हुआ, हमने इसके लिए समरी में वीडियो डाला है, शायद उसको आपको क्लियर हो गया होगा, पर क्योंकि आपका क्वेश्चन आउटस्टैंडिंग था जब हमारी टीम ने बनाया था तो इसलिए आपका क्वेश्चन सिलेक्ट किया गया होगा। इसमें एक्सपेक्टेशन ये है कि यहां पर आज सिर्फ एक इवेंट आया ऑफिशियली, वो 9:15 बजे जो फ्यूचर ग्रुप ने एनएससी को और बीएससी को इन्फॉर्मेशन भेजी है कि दे विल कंटिन्यू विद दिस इन्फॉर्मेशन, ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है एंड दे विल कंटिन्यू एंड दे वांट टू प्रोसीड विद द डील। तो ये ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आया है विच वॉज काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड जब रिलायंस ने रात को ही ये इन्फॉर्मेशन भेज दी थी वहां से, तो रिलायंस और दोनों का डेफिनेटली सिंक्रोनाइजेशन होगा, तभी उन्होंने रिलायंस ने भेजी थी इन्फॉर्मेशन। तो उसके चलते हुए उसके बाद कोई पॉजिटिव इवेंट नहीं आया है, पर हाँ उस इवेंट की वजह से जो नीजर्क रिएक्शन हुआ है एक मॉर्निंग का, रिलायंस अगर फ्यूचर रिटेल की बात करें तो 71 तक नीचे चला गया था, पर उसके बाद में जो क्लोजिंग बेसिस पर क्लोज हुआ है वो उस 5% का हुआ है। पर जितना बड़ा इवेंट था, अगर ये क्लैरिटी नहीं आती मॉर्निंग में जो क्लैरिटी दी गई दोनों के ग्रुप ने रात को और मॉर्निंग में, तो ये हो सकता है कि 10% के लोअर सर्किट पे को भी फ्यूचर रिटेल का लोअर सर्किट जो 10% है, एफएलएफ का देखिए ऑलरेडी वो 8% के आसपास गिरा हुआ है नीचे। तो ये चीज आपको समझनी भी है कि ये जो हमने इन्फॉर्मेशन दी थी वो ये बोल के दी थी कि कोई पॉजिटिव इवेंट आएगा दोपहर में तो ये स्टॉक पॉजिटिव चला जाना चाहिए, पर 5% नेगेटिव होना भी इवेंट इतने बड़े इवेंट के बाद में आई थिंक आई वुड से ये एक पॉजिटिव व्यू ही मानना चाहिए आपको, इवन दो ग्रीन में नहीं हुआ है बट इवेंट ओवर हो गया है 5% के ऊपर, ये एक अच्छी बात समझनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 190 क्वेश्चन पूछा गया है रमेश वनकल्यापट्टी, आई एम सॉरी आपका नाम अगर हमने गलती से प्रोनाउंस किया है। RVL इज अ सेपरेट लिस्टेड कंपनी और दिस इज इन रिलायंस ओनली लाइक जियो, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका तो आंसर सिंपल है, ये एक लिस्टेड कंपनी नहीं है जस्ट लाइक जियो। क्वेश्चन नेक्स्ट, अगर हम बात करें वेल्थ क्रिएशन, तो आपको लॉन्ग टर्म के वेल्थ क्रिएशन के लिए आपको 80% पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट रखना है और 20% का ही ट्रेडिंग करनी है इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म बैट। अगर आपको हमारी पेड सर्विस चाहिए तो मेल ड्रॉप कर सकते हैं इंक्लूडिंग इंट्राडे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ट्रेडिंग। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 191, इनका क्वेश्चन आया है उस्मान चांद वाले जी का, इनका प्रश्न है गुड आफ्टरनून सर, आई एम उस्मान, सो कैन आई होल्ड फ्यूचर ग्रुप शेयर फ्रॉम कर्नाटका बेलगाम। तो उस्मान जी सबसे पहले तो हमें लगता है कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, आपका स्वागत है चैनल पर, जिस तरह से क्वेश्चन पूछा है इसलिए बोल रहे हैं हम आपको, क्योंकि हमारे ही चैनल पर एक ऐसा चैनल है जिसमें हमने सबको बोला है अपने शेयर होल्ड करके रखो और आप चाहे तो अपने शेयर को और एवरेज कर सकते हैं लोअर लेवल पर अगर आपका 5% का पोर्टफोलियो से कम है इसमें। तो आंसर, शॉर्ट आंसर इज जी हां, आप इसको होल्ड कर सकते हैं, 170 का टारगेट है और लॉन्ग टर्म में अगर आप चाहें तो इसका एफईएल का टारगेट एफईएल में कन्वर्ट होगा और वो 34 रुपए के आसपास आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 192, ये क्वेश्चन पूछा गया है मोहम्मद इरफान जी के द्वारा, इनका प्रश्न है, ये कर्नाटका से हैं तो धन्यवाद मोहम्मद इरफान जी, आपने अपनी लोकेशन बताई। इज इट पॉसिबल दैट रिलायंस इज बाइंग एफईएल एट हायर प्राइस ऑफ 1765 जस्ट टू मेक इट अपीयर एज अ फेयर वैल्यू। तो देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न है, जब डील हो जाती है और जब जनरली हम अपने हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन के बेसिस पर बोल रहे हैं, जब डील एक बार साइन हो गई है तो उसके बाद में प्राइस नॉर्मली चेंज नहीं होता है, वो फेयर वैल्यू ही मानी जाती है क्योंकि जो सेलर है उसने उस रेट पर उसको एक्सेप्ट कर लिया है 1765 के आसपास। तो होने को हो सकता है,
पर हिस्टोरिकल डाटा के बेसिस पर अगर आंसर किया जाए शायद प्रैक्टिकली नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 193, सर दशहरा इज कम एंड गॉन, व्हाट टू डू नाउ। तो बिल्कुल सही बात है, हमने बोला था दशहरे तक हमारे सीसीआई का अप्रूवल आ जाना चाहिए, बट जैसा हमने बताया सीसीआई का अप्रूवल का पहला क्वेश्चन में आंसर तो वहां पे हो चुका है, स्टॉक इज गोइंग डाउन डेली एंड आई एम हैविंग स्लीपलेस नाइट। तो जस जी शायद आपने पहले भी कोई प्रश्न पूछा है, हम आपको ध्यान आया जे ए एस, आपने पूरा नाम नहीं बताया अभी तक और कहां से ये भी नहीं बताया है, पर हम आपका क्वेश्चन ले रहे हैं, हम आपका क्वेश्चन बताते हैं। देखिए इसीलिए हमने अपना सबसे पहले जो चैनल पर शुरुआत की है क्योंकि हमें मालूम है रिटेल इन्वेस्टर इस चीज में बहुत ज्यादा लैग करते हैं, हम अपना पोर्टफोलियो सही तरह से मैनेज नहीं करते। आपको पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है, कुछ स्टॉक आईटी में रखिए, कुछ स्टॉक बैंकिंग में रखिए, कुछ स्टॉक कंजम्पशन में रखिए, कुछ स्टॉक मोटर में रख सकते हैं। तो जैसे आपको अपना पोर्टफोलियो अच्छा लगे उस हिसाब से कीजिए, और किसी भी एक रिटेल सेगमेंट में अगर आप किसी भी सेगमेंट में कर रहे हैं किसी भी एक स्टॉक में 5% ज्यादा होल्डिंग नहीं करनी चाहिए। जो आपको ये स्लीपलेस नाइट की आपने कंप्लेंट किया है ये आपको इस केस में आएगी जब आपने ओवर कमिटमेंट करके कोई पर्टिकुलर स्टॉक में मच मोर पोजीशन ले लिया है। आप समझिए इस बात को क्यों कह रहे हैं 5% का, इस ये एक मिनट लेंगे यहां पर आपको सब रिटेल इन्वेस्टर को समझाने के लिए, इसका डायरेक्ट इंप्लीकेशन है। आप इस तरह से देखेंगे, अगर आप एक ट्रक यूज करते हैं तो ट्रक कार है, कार में सिर्फ 4 पहिए होते हैं, पर ट्रक में क्योंकि उसको लोड ज्यादा वे करना पड़ता है और साथ में उसको ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पे जाना होता है, उसके हर सेगमेंट में 2 टायर होते हैं, कार में सिर्फ 1 टायर होता है पर उसके एक्सेस पर 2 टायर लेफ्ट साइड में, 2 टायर राइट साइड में, और बीच में एक एक्सल होता है, एक आखिर में होता है, एक शुरू में होता है। तो टोटल अगर इस तरह से देखा जाए तो उसके पास 4 पीछे टायर, 4 बीच में टायर और 2 टायर आगे। तो इस तरह से गाड़ी चलती है वो लॉन्ग रन के लिए। तो 10 टायर पर ट्रक चलता है, आपकी कार जो चलती है वो सिर्फ 2 टायर पर चलती है। 10 टायर क्यों लगा के रखे जाते हैं, क्योंकि जब हाईवे पे आप 70 किलोमीटर या 80 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलेंगे विद हैवी वॉल्यूम, और अगर आपके पास सिर्फ एक ही टायर है तो बस्ट हो गया तो लोड बैलेंस खराब होगा और साथ में अपने आप तो डैमेज होगा, साथ साथ में और कार भी डैमेज करेगा और व्हीकल भी डैमेज होंगे। तो इसलिए सेफ्टी प्रिकॉशन रखा गया था। अब यही कंसेप्ट आप स्टॉक मार्केट में लगाइए, अगर आपकी कोई कैलकुलेशन गलत हो जाती है जिसके वजह से आपने जो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया है वो गलत हो जाएगा, तो आपने अगर 5% का इन्वेस्टमेंट किया है तो आपके पास 20 ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें जरूरी नहीं है कि सारी आपकी कैलकुलेशन गलत होगी, गलती होती है पर गलतियां होने के लिए आपको कैपेसिटी होनी चाहिए, आपके पास डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए। तो हमारी सबसे पहले आपकी गुजारिश रहेगी, हम समझ रहे हैं हमारे को भी नुकसान हो रहा है, आप हमारी पोजीशन समझिए, हमारा एवरेज प्राइस 97 का है, आपका शायद एवरेज प्राइस और ज्यादा का होगा। तो हमेशा 5% का पोर्टफोलियो कीजिए, और आपको सिंपल एक सलाह देंगे, जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले इसको पोर्टफोलियो को एडजस्ट कीजिए प्लीज, ये हमारी सबसे पहली सलाह है सब दर्शकों को। क्वेश्चन नंबर 194 क्वेश्चन है राजीव शर्मा जी का, आई थिंक राजीव जी आपका क्वेश्चन पहले भी देखा है, आपकी बेबी बहुत क्यूट है, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग द क्वेरी। इफ अनसर्टेनिटी वुड कंटिन्यू फॉर 1 to 2 weeks इट मींस लोअर सर्किट विल कंटिन्यू फॉर 2 weeks इन फ्यूचर ग्रुप शेयर। ये अच्छा प्रश्न है राजीव जी, और इसका क्वेश्चन थोड़ा सा हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे, हो सकता है हम यहां पर गलत हैं तो हम ये डिस्क्लेमर पहले दे रहे हैं, पर हम इस क्वेश्चन को अपनी तरह से बता रहे हैं, आप हो सकता है सही है पर हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं इसमें। अगर ये नीचे जाना होता और अनसर्टेनिटी, अब इससे ज्यादा अनसर्टेनिटी नहीं हो सकती कि रिलायंस इसने अमेजन ने केस कर दिया था और उसका केस का रिजल्ट अमेजन के फेवर में आया है, इससे बड़ी अनसर्टेनिटी इस डील में नहीं हो सकती है। अगर इस इवेंट के बाद शेयर फ्यूचर रिटेल का सिर्फ 5% डाउन हुआ है जहां पर उसकी कैपेसिटी 10% तक जाने की थी 66 का, और ऐसी बात नहीं कि 77-71 के नीचे नहीं गया है, प्राइस नीचे तक गया था कुछ दिन पहले जब ये चलना शुरू हुआ था, उससे पहले प्राइस काफी नीचे चला गया था, 70 के नीचे चला गया था प्राइस। तो ऐसा नहीं था कि टेक्निकल यहां पर बाउंस बैक है, पर ये जो न्यूज इवेंट है अगर 5% शेव ऑफ करके गया है इवेंट तो हम ये कहेंगे ये न्यूज इवेंट ओवर हो चुका है, बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू के रेफरेंस में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक बटन दबाना। लास्ट क्वेश्चन 195 उमा प्रसाद चक्रवर्ती, आई हैव 500 फ्यूचर रिटेल एट 100 रुपीज, 1000 FEL एट 10 रुपीज, व्हाट शुड आई डू। तो सबसे पहले उमा प्रसाद जी आपको मैं बोलना चाहूंगा, आई होप आपने सुना है हमारा पिछला पॉइंट, 5% सेम बताऊंगा, 5% ज्यादा टोटल फ्यूचर ग्रुप में आपके शेयर नहीं होने चाहिए, अगर हैं
तो प्लीज इसको बहुत जल्दी एडजस्ट कीजिए। आपका प्राइस अच्छा है, 100 रुपये और 10 रुपये, जो कि बहुत रीजनेबल प्राइस है। आपका प्राइस बहुत जल्दी आ जाने वाला है और आपको इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। आपका FVL में कन्वर्ट हो जाएगा फ्यूचर रिटेल के शेयर और ये आपको फिर होल्ड करके रखना है अपने पास। ये हमारा आपके लिए सलाह है यहाँ पर। दोस्तों वीडियो अच्छा लगेंगे तो लाइक कीजिएगा और हम टेलीग्राम चैनल पर भी हैं, चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही साथ में 4 वीडियो आपके लिए जो आपको अच्छा लगे वो देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन मंगलमय हो। बाय बाय।